السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے رضي الله عنهم ورضوا عنه अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुबारक सहाबा इकराम के ताल्लुक से नाजिल फरमाई कि अल्लाह तमाम सहाबा से राज़ी हो गया और तमाम सहाबा अल्लाह से राज़ी हो गए। हमने वैसे तो हर इतवार को बाद नमाज ईशा बाद नमाज मगरिब कुरान पाक की तफसीर बयान की जाती है, लेकिन माह रमज़ान में कुछ इलाहदा प्रोग्राम होता है, उसी के मातहत माह रमज़ान में फजर की नमाज़ के बाद रोज़ाना 15-1 मिनट के लिए सहाबा इकराम की हयात तय्यबा, सहाबा इकराम की ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ बातें पेश की जाएगी। रोज़ाना मुख्तलिफ बातें होंगी इंशाअल्लाह। आज सबसे पहले हम जिन के ताल्लुक से हम बयान शुरू कर रहे हैं वह हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो तमाम अम्बिया मुरसलीन के बाद सबसे अफजलुल बशर बादल अम्बियाई वल मुरसलीन, तमाम नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल इंसान अगर कोई है वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी कुनियत से बड़े मशहूर हैं। अबू बकर सिद्दीक लकब है आपका, अबू बकर कुनियत, अतीक आपकी आपका एक और लकब है अतीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वह हैं अबू बकर सिद्दीक के नाम से। आपका नाम अब्दुल्ला है, आपके वालिद का नाम उस्मान है, अब्दुल्ला इब्ने उस्मान आपका नाम है, और कबीले कुरैश से आपका ताल्लुक़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में तीम इब्ने मुर्रा पर जाकर आप मिल जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में आगे चलकर जॉइंट होते हैं, कुरैशी हैं, और मक्के मुअज़्ज़मा ही में आपकी विलादत हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अस्हाबे फ़ील, जो हाथियों का वाकया हुआ, अब्रहा हाथियों का लश्कर लेकर आया था, उस मक्का पर हमला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे परिंदे अबाबील भेजे, जिसे हम अलम तरह में पूरा वाकया है, तो छोटे छोटे परिंदे भेजे और अब्रहा का सारा लश्कर उसके हाथी हलाक व बर्बाद हुए। तो उस वाकये के 55 दिन बाद हुजूर की विलादत हुई और 2 साल बाद अबू बकर सिद्दीक़ की विलादत हुई है। तो सर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असहाबे फ़ील के 2 साल बाद आप पैदा हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहे, हमेशा हमेशा सरकार का साथ दिया, और आपकी खसूसियात और इम्तियाजात में से ये हैं कि आपने इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद भी, इस्लाम के बाद तो खैर बच ही जाना था, लेकिन इस्लाम से पहले भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की और कभी शराब नहीं पी और कभी भी बुराइयों के कामों में मुबतला नहीं हुए, तमाम मुनकरात से हमेशा महफूज रहे। इस्लाम से पहले जब सारे अरब में जहालत थी और सारे लोग बुतपरस्ती में मुबतला थे, शराब, अय्याशी, ये सारी चीज़ें आम थी, बुराइयाँ आम थी, उन हालात में भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शराब से भी दूर रहे, बुतपरस्ती से दूर रहे। आपके वालिद अबू कुहाफा जो बाद में मुसलमान हो गए, सहाबी हैं, लेकिन इस्लाम लाने से पहले अबू कुहाफ़ा आपको ले जाते थे बुतपरस्ती के लिए, मंदिर ले जाते कि भाई ये हमारे खुदा हैं, इनकी इबादत करनी चाहिए, लेकिन सिद्दीक अकबर ने वहाँ भी कभी भी उन बुतों के सामने झुके नहीं हैं, बल्कि हमेशा पलट कर अपने बाप को जवाब दिया कि ये मेरे खुदा हैं, अगर ये मेरे खुदा हैं तो मैं इनसे मांगता हूँ मुझे खाना दो, मुझे कपड़े दो, ये देंगे मुझे? ये तो अपने नाक से जो मक्खी बैठती है वो भी नहीं उड़ा सकते, है ना, तो ये मुझे क्या बचाएंगे? तो इस तरह का जवाब देकर आप लौट आते थे, और इसी वजह से यानी हमेशा से मुवहिद रहे, एक अल्लाह को मानने वाले रहे, और इसी वजह से इस्लाम आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान दोस्ती थी। सरकार के दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम से पहले, सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया उससे भी पहले अबू बकर सिद्दीक़ सरकार के दोस्त थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी, मक्का में मशहूर थे कि दोनों दोस्त हैं, और इसी वजह से अक्सर जो है बाद में जब आप यानी कि मुसलमान हुए, अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो उसके बाद जब भी कोई मामला पेश आता, कोई बात पेश आती, तो लोग जाकर अबू बकर से ये यानी यूँ कहते थे, अबू बकर पता है तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा, अबू बकर पता है तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, वो इस तरह कहा करते थे। जब मेराज हुई सरकार को
और मेराज के सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का के सामने कहा कि जानते हो कल रात मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रात के थोड़े से हिस्से में जाकर वापस आ गया, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। तो एक अबू जहल जो है वो पहुंच गया अबू बकर सिद्दीक के पास और जाकर उसने कहा, ए अबू बकर जानते हो तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो कहा क्या कहा? तो कहा उन्होंने कहा है कि यानी वो रात के थोड़े से हिस्से में वो बैतुल यानी मस्जिद हराम से मक्का से मस्जिद अक्सा तक जाकर आ गए हैं, मानते हो तुम ऐसा हो सकता है? यानी हम हमेशा सफ़र करते हैं मुल्क शाम, यहाँ से एक महीना जाने में लगता है, एक महीना वापस आने में लगता है, दो महीने का सफ़र है आने जाने का। वो कह रहे हैं रात के थोड़े से हिस्से में गया भी आ भी गया, मानते हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, अगर वो आसमानों तक की बात करे तब भी मैं मान लेता हूँ, तब भी मैं मान जाऊँ, अगर वो कहें कि मैं आसमानों में जाकर आया तब भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ अगर उन्होंने कहा है तो। तो यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये जवाब देकर हमें एक तालीम दी है, एक यानी कि वैसे तो हम बस यहाँ एक बात यानी कि हम बयान करके ख़त्म कर देते हैं कि यहाँ से अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहा गया कि सरकार की उन्होंने तस्दीक कर दी बगैर सरकार से पूछे कि नहीं मैं मानता हूँ, तो ये सिद्दीक अकबर हो गए, सबसे बड़े तस्दीक करने वाले। लेकिन उन्होंने पूरी उम्मत को ये सिखाया कि जब अल्लाह रसूल का कोई हुक्म और फरमान आ जाए, उनकी बात आ जाए, तो क्यों कैसे ऐसा क्यों ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे मुआशरे में अगर हम देखें तो ये बातें बहुत आम होती है, कोई भी हुक्म अगर इस्लाम का बयान किया जाता है, अल्लाह या उसके रसूल की बात अगर की जाती है कि अल्लाह ने ये फरमाया या रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है या ये बात कही, तो फौरन एक तो जहन में भी होता है ऐसा क्यों कहा होगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, और फिर बाकायदा कभी कभी लोग सवाल भी करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों, सरकार ने ऐसा क्यों फरमाया। यहाँ जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए उनकी बात ख़त्म, हम तो सिर्फ एक काम करें, सर झुकाएं, मान लें उन्होंने कहा तो हक कहा है। अब हमारी अक्ल में आए ना आए, आजकल लोग जो हैं पढ़ लिख कर स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिख कर वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, हमारे पास बहुत ज़्यादा अक्ल आ गई, तो फिर वो हर बात को अक्ल की तराजू पर तोलते हैं। ये ऐसा है तो वाकई ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा होगा, नहीं, आप सारी दुनिया की बातों को और सारे दुनिया के लोगों की बातों को तुम तराजू पर तोलो, लेकिन अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो फिर सिर्फ गर्दन झुकानी है, सिर्फ गर्दन झुकानी नहीं, उन्होंने कहा बात ख़त्म हो गई, क्यों ऐसा ये हमको लेना देना नहीं है, हम कौन होते हैं क्यों कैसा करने वाले, नहीं, उनका हुक्म है मानने के लिए तैयार हो। ये अबू बकर सिद्दीक ने हमें सिखाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसी शख्सियत, अजीम शख्सियत के जिन्होंने जो सबसे पहले एक तो यानी सबसे पहले मुसलमान हैं, सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, औरतों में सैयदा खदीजतुल कुबरा, बच्चों में मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्ने हारसा। फिर सिद्दीक अकबर ने लोगों को समझाना शुरू किया, दावत देनी शुरू की, तो अबू बकर सिद्दीक की मेहनत से अबू बकर के हाथ पर हज़रत उस्मान गनी ने इस्लाम कबूल किया है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने इस्लाम कबूल किया, अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला इनके भी जो ज़िक्र हैं तस्करे वो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आएंगे, आप सुनेंगे ये कैसी कैसी हस्तियाँ हैं। हज़रत उस्मान गनी वो तो सब हर कोई जानते हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक अशरे मुबशरा में से हैं, उन 10 लोगों में से हैं कि जिन्हें सरकार ने बारी बारी भाई तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, एक साथ 10 लोगों को बशारत दी कि तुम जन्नती, उनमें अबू बकर पहले हैं, उन 10 लोगों में अबू बकर सिद्दीक पहले हैं, और फिर अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं, अबू उबैदा इब्ने जर्राह भी हैं। तो यानी उस्मान, अबू उबैदा इब्ने जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये तीनों के जिन्हें जन्नत की बशारत मिली, ये वो लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर इस्लाम लाए, अबू बकर सिद्दीक की मेहनत से इस्लाम कबूल किया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो कमज़ोर ग़ुलाम थे, लोगों यानि कुफ़ार मुशरिकीन के यहाँ ग़ुलाम थे, उनकी नौकरियाँ करते थे, उनके यहाँ यानि कि कामकाज करते थे, और ग़ुलामी उस ज़माने में ऐसी होती थी कि ख़रीदे हुए ग़ुलाम,
आजकल के नौकर नौकरानी टाइप नहीं कि आए काम किया चले गए और कभी नाराज़ हो गए चल मैं कल से नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, वो वाले गुलाम यानी नौकर नहीं, नौकर अलग चीज़ है। यह है ग़ुलाम कि दुकान से जैसे हम साबुन ख़रीदते हैं बिस्किट ख़रीदते हैं वैसे लोग ख़रीदे जाते थे, आदमी और औरतों को ख़रीदा जाता तो उन्हें ग़ुलाम और बांधी, और जब ख़रीद लिया तो हमारी चीज़ है हम जैसे यूज़ करें जैसे इस्तेमाल करें, तो उनसे काम भी करवाया जाता। जब वो मुसलमान हो गए तो उन्हें सताया जाता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उस वक्त 6 ऐसे लोग थे कि जो ग़ुलाम थे और जिन्हें इस्लाम के नाम पर सताया जा रहा था उन्हें आज़ाद करवाया। उनमें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, हज़रत ज़ुनैरा एक औरत वो भी थी, और भी 3-4 औरतें और थीं, एक दो और ग़ुलाम थे। तो इस तरह 6 ग़ुलामों को आज़ाद यानी ख़रीदा और आज़ाद कर दिया कि मैंने इस्लाम के लिए तुम्हें ख़रीद कर आज़ाद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं तो सबसे यानी आप जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमेशा साथ रहे, यारे ग़ार भी हैं यारे मज़ार भी हैं, दुनिया में भी साथ रहे आखिरत तक कब्र में भी साथ है, तो दोनों दोनों जहान में अल्लाह के रसूल के साथ ही हैं। यारे ग़ार होना अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, जब आप जो है हिजरत की रात ग़ार में थे और वो रात बड़ी यानी कि खूबसूरत रात थी और बड़ी यानी कि मुसीबत वाली रात थी और बड़ी परेशानी वाली रात थी, बड़ी सख्त रात थी। और उस रात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार को अपने कंधों पर लेकर पहाड़ी पर चढ़े हैं, सरकार को अपने कंधों पर बिठाकर पहाड़ी पर चढ़े हैं, ये आपका यानी कि ये आपकी करामत है कि उस ऐसी बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है ना, उस पर चढ़ना बहुत दुश्वार काम था, लेकिन सिद्दीक अकबर ने उस ज़माने में, अब तो सीढ़ियाँ जैसी बन गई है थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ हैं लेकिन फिर भी चढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, उस ज़माने में सीढ़ियाँ नहीं थी, पत्थर ही पत्थर थे, लोग आते जाते भी नहीं थे। उस ज़माने में सिद्दीक अकबर ने सरकार से कहा कि या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधों पर बैठे मैं आपको लेकर चढ़ता हूँ। तो ऊपर गए और फिर ग़ार साफ़ किया, वाकया बड़ा मशहूर है कि आपने सारे सुराख अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर बंद किए, एक सुराख रह गया तो अपनी एड़ी रख दी और सरकार को बुलाया कि आप आइए आराम कीजिए। सरकार आराम कर रहे थे, वो सांप ने आपकी एड़ी पर डंक मारा डसा, लेकिन उसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर ने अपना पैर नहीं हिलाया। बहरहाल बाद में जो है सरकार बेदार हुए और सिद्दीक अकबर को तकलीफ़ में देखा, पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ यानी कि काट लिया है, सांप वगैरह ने काटा। सरकार ने अपना लुआब दहन लगाया आपकी एड़ी पर, सारा जहर उतर गया है, आप अच्छे हो गए। तो आपने यानी कि हिजरत में भी आप साथ थे, मक्का में भी साथ थे, कुफर व मुशरिकीन जहाँ सरकार को सताते सिद्दीक अकबर पहुँच जाते और सरकार को बचाने की कोशिश करते, और उस बचाने की कोशिश में ख़ुद भी बहुत मार खाई है, खुद ने भी बहुत मार खाई, कई मरतबा लहूलुहान हुए ज़ख्मी हुए, लेकिन सरकार का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीना में भी हमेशा साथ रहे। सरकार फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जितना माल इस्लाम के लिए खर्च किया उतना किसी ने नहीं किया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने जानो माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए खर्च कर दिए थे, अपना घर बार वक्फ कर दिया था, सब कुछ लुटा दिया इस्लाम की राह में अल्लाह और रसूल के लिए। और जब मदीने मुनव्वरा आए तो वहाँ भी सरकार के साथ रहे, हमेशा साथ साथ रहे, और जब भी यानी अल्लाह के रसूल की जब वफात होने वाली थी, सरकार बीमार थे, तो सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि वो नमाज़ पढ़ाएं। सरकार की ज़िंदगी में 17 नमाज़ें सिद्दीक अकबर ने सरकार के मसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई है, 17 नमाज़ें। और इसी को हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली फरमाते हैं जब सरकार की वफ़ात हो गई, जब सरकार की वफ़ात हुई तो सरकार ने वफ़ात से पहले हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यानी 17 साल या 19 साल की उम्र थी हज़रत उसामा की, उन्हें अमीर बनाया और उनके मातहत में सहाबा को भेजा कि जाओ तुम जंग मौता का बदला लेने के लिए तुम यानी कि रवाना हो जाओ, वहाँ जंग करनी है ईसाइयों से। अब ये जो हैं रवाना हुए थे, अभी थोड़ी दूर गए थे, तो हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद के लश्कर में, वो 17 या 19 साल के थे, उनके लश्कर में अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फ़ारूक थे, यानी बुज़ुर्ग जो बुज़ुर्ग सहाबा थे बड़े बड़े वो उनके लश्कर में थे। तो अबू बकर उमर और अली और सारे दिगर सहाबा इकराम थे, अभी थोड़े ही एक यानी कि मकाम पर पहुँचे थे कि हज़रत उनकी जो बीवी थी हज़रत उसामा
اسامہ ابن زید کی بیوی، انہوں نے پیغام بھیجا کہ اے اسامہ ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، سرکار کی بیماری بڑی سخت ہو گئی ہے تو ابھی تھوڑا رک جاؤ۔ وہ رکے اور خبر ملی کہ انتقال ہو گیا، تو لشکر واپس آ گیا۔ اب یہاں یعنی کہ کفن دفن کا انتظام ہوا، تین دن بعد یعنی پیر کے دن انتقال ہوا، بدھ کے دن سرکار کو دفن کیا گیا حجرہ عائشہ میں۔ اس کے بعد اب مسئلہ تھا خلافت کا، پہلا تو مسئلہ یہ آیا حضرت عمر یعنی جب ابو بکر صدیق جو ہے دوسری جگہ پر تھے، آپ کو پتہ یعنی خبر ملی، جب آئے تو دیکھا مسجد میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ ادھر سے ادھر چکر مار رہے تھے، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، لوگ پانی ڈالتے ہوش میں آتے، پھر چکر مارتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ عمر کا حال یہ تھا کہ تلوار لے کر کھڑے تھے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ سرکار کی وفات ہو گئی ہے میں گردن اڑا دوں گا۔ یہ سارے حالات تھے۔ صدیق اکبر آئے حجرے میں، گئے سرکار کو دیکھا، عرض کیا یعنی کہ حضرت عائشہ کی گود میں تھے، آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا، کہا ہم اپنے ماں باپ آپ پر قربان کر دیتے اگر ہم آپ کو دنیا میں یعنی کہ زندہ رکھ سکتے، اگر آپ کو بچا سکتے تو ہم اپنے ماں باپ قربان کرتے، اپنی جانیں قربان کر دیتے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ یہ کہہ کر پھر واپس پلٹے، ممبر پر آئے اور پھر آپ نے عمر کو بھی، اے عمر بیٹھ جاؤ، تو عمر بھی بیٹھ گئے، عمر بھی بیٹھے اور بھی سارے لوگ خاموش ہوئے۔ آپ نے بڑا زبردست خطبہ ارشاد فرمایا، ایسا خطبہ کہ لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک ہو گئی، لوگ مان گئے کہ واقعی اگر ابو بکر نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جاتا۔ تو صدیق اکبر نے وہاں سنبھالا۔ اب اس کے بعد خلافت کا مسئلہ تھا، خلیفہ کون بنے گا۔ قبیلہ بنو ساعدہ ایک یعنی کہ محلہ تھا، بنو ثقیف قبیلہ بنو ساعدہ، ان کے محلے میں انصار جمع ہوئے تھے اور وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ اب وہاں پر ابو حضرت عمر نے کہا ابو بکر چلے وہاں چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو بات یہ چل رہی تھی، ابو عبیدہ بھی ساتھ تھے، ابو عبیدہ ابن جراح، ابو بکر اور عمر تینوں پہنچے، دیکھا انصار وہاں جمع ہے حضرت سعد ابن معاذ کے، حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر، اور وہاں سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی یعنی مانگ یہ تھی انصار کی، ایک امیر ہمارا ہوگا، ایک امیر قریش کا ہوگا، یعنی انصار میں سے ایک امیر بنایا جائے، ایک امیر جو ہے قریش میں سے بنایا جائے۔ صدیق اکبر نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ قریش عمرہ ہوں گے، امیر ہوں گے، اور انصار تم وزیر رہو گے، تم وزرا بنائے جاؤ گے، اور سرکار کی حدیث کے خلیفہ اور امیر تو پھر صرف قریش ہی سے بنایا جائے گا۔ اب عمر نے جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح کا ہاتھ پکڑا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ یعنی کہ بیعت لے لو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اے عمر ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا تمہیں پتہ نہیں صدیق اکبر، جس قوم میں صدیق اکبر موجود ہوں کیا کوئی ان سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا انصار سنو، کیا تمہیں پتہ ہے جب سرکار بیمار ہوئے تو سرکار نے اپنے مسلح پر کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیا، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے تم میں سے کوئی آگے بڑھے مسلح پر؟ تو سب انصار نے کہا نہیں نہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی صدیق اکبر سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پھر حضرت عمر آگے بڑھے، ابو بکر سے کہا ابو بکر ہاتھ لاؤ، ہاتھ دیا، کہا میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ابو بکر نے بیعت کی، سارے انصاریوں نے بیعت کی اور سارے لوگوں نے بیعت کر لی، اور اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا لیے گئے۔ اسی کو حضرت علی نے کہا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دین کے معاملے میں یعنی نماز دین کا معاملہ ہے، تو سرکار نے دین کے معاملے میں ابو بکر کو ہمارے یعنی ہمارا امام بنایا، تو دنیا کے معاملے میں یعنی حکومت اور خلافت کے معاملے میں بھی ہم نے ان کو اپنا ہمارا امیر بنا لیا۔ تو یہ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم شخصیت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سرکار کی وفات کے بعد لوگ جو ہے مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ادھر اسامہ، حضرت اسامہ کا لشکر تھا جسے روانہ سرکار نے کیا تھا، اب لوگ کہہ رہے تھے کہ اب انہیں مت بھیجو اس لیے کہ اب اسلام کو ضرورت ہے لشکر کی، لوگوں کی، تو اب ان کو مت بھیجو، پہلے ہم یہاں کا معاملہ نپٹا لیتے ہیں، پھر موقع ملے گا تو ہم بعد میں بھیجیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جسے سرکار نے روانہ کر دیا اب میں اسے نہیں روک سکتا، ہاں بس اتنی اجازت، میں یہاں رہوں گا، خلیفہ ہوں اس لیے میں یہاں رہوں گا، اور میں چاہتا ہوں اے اسامہ، حضرت اسامہ ابھی 17 یا 19 سال کے ہیں لیکن امیر سرکار نے بنایا تھا اس لشکر کا، تو یہ خلیفۃ المسلمین یعنی مسلمانوں کے بادشاہ، آپ کہتے ہو اسامہ میں تم سے اجازت چاہتا ہوں، اگر تم چاہو اجازت دو تو عمر کو میرے پاس رہنے دو تاکہ وہ مجھے مشورہ دے سکے، میں ان سے مشورہ کر سکوں۔ حضرت اسامہ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں، آپ عمر کو رہنے دیجئے۔ تو حضرت عمر رہ گئے، لشکر روانہ کیا گیا، سارے لوگ منع کر رہے تھے،
कुछ लोगों ने कहा कि ओसामा तो नौजवान लड़का, 17-19 साल का लड़का है, किसी तजर्बाकार को बनाया जाए। हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा, सरकार ने जिसे जिस पर एतमाद और भरोसा किया, मैं कौन होता हूँ उसे बदलने वाला, वही अमीर रहेंगे। लश्कर रवाना होगा और जाएगा, अगरचे यहाँ कोई ना रहे, यहाँ अकेला अबू बकर मदीने में रह जाए और परिंदे आकर मेरी बोटियाँ नोच ले, तब भी मैं इस लश्कर को नहीं रोकूंगा, इसे रवाना होना ही होगा। वो लश्कर रवाना हुआ, इधर फिर जितने लोग बचे थे उनके साथ सिद्दीक अकबर तने तनहा तलवार ली और लेकर रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो दिगर साहबा भी तैयार होकर आपके पीछे चल दिए, कुछ दूर गए और फिर सिद्दीक अकबर को वापस भेजा कि आप वापस जाइए, हम देख लेंगे मामला। और फिर उसके बाद जितनों ने कुछ यानी कि लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया था, मुसलमा कज़ाब, अस्वद अंसी, सजाह, ये सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने नबूवत का दावा किया था उनके खिलाफ जंगें की, जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था, हम ज़कात नहीं देंगे। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर वो सरकार के ज़माने में ऊँट की रस्सी देते थे, ऊँट देना तो बड़ी बात, ऊँट की रस्सी भी अगर देने से मना करेंगे तो मैं उनसे जिहाद करूंगा। तो इन मकामात में सिद्दीक अकबर ने बड़ा अहम किरदार और रोल अदा किया, मुसलमानों को संभाला। और फिर उसके बाद 2 साल और 3 महीने और 10 दिन, ये यानी कि आपकी मुद्दत खिलाफत है, इतनी हुकूमत करने के बाद फिर आपकी वफ़ात हुई और वफ़ात से पहले आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बना दिया, लिखवा दिया कि मैं उमर को खलीफा बनाता हूँ अपने बाद। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए। इंशाअल्लाह उनके ताल्लुक़ से आइंदा कल बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।